वेलकम बैक टू माय चैनल अंजल कैस किचन। मुझे पता है कि आप सब लोग कोरोना वायरस की परेशानी में हैं और आप सब लोग घर पे ही हैं। मैं भी आपकी तरह घर पे हूँ, तो आज मैंने सोचा कि घर पे होने वाली चीज़ों से एक वैरायटी रेसिपी बनाएं। हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे हैश चिली। तो ठीक है दोस्तों, अब हम वीडियो में जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे बनाने के लिए यहाँ पे लगभग 100 ग्राम के सोया चंक्स लिए हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना है। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए अच्छे से सोक करने के लिए रख देते हैं। अब 10 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छे से सोक कर दिया है। अब हम इसका पानी पीस कर दूसरे प्लेट में डाल देते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इन सब को अच्छे से पानी पीस कर रख दिया है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून चिली पाउडर डाल देते हैं और फिर हम 1/2 टेबलस्पून पेपर पाउडर डाल देते हैं। और फिर हम 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं और 2 टेबलस्पून मैदा भी डाल देते हैं। अब हमें इसमें 2 टेबलस्पून दही भी डाल देनी है और हमें नमक स्वाद के अनुसार डाल देना है। अब हम इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, तभी अच्छे से मिक्स होगा। स्पून से जब आप मिक्स करेंगे तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे एक पैन रखा है हाई फ्लेम में। अब हम इन्हें अच्छे से गर्म होने देते हैं। अभी अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें ऑयल डाल देते हैं और अब हम इस ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब ये ऑयल अच्छे से गर्म हो, हम इसमें एक एक करके हमारे सोया चंक्स, मिक्स किए हुए सोया चंक्स डाल देते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। वैसे दोस्तों, मैं ये पहली बार सोया चंक्स बना रही हूँ। मेरी मम्मा मुझे बना के देती है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो आज मेरे घर पे ये पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा पहली बार इसे क्यों ना बनाए। अब एक साइड अच्छे से फ्राई हो गया है, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि दूसरा साइड भी अच्छे से फ्राई हो पाए। अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में डाल देते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने वही पैन रखा है फिर से। अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म होने देते हैं फिर से। अब हम जब ये गर्म हो, ऑयल डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा ही ऑयल चाहिए। अब जब ये ऑयल गर्म हो, हम इसमें प्याज डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज को स्क्वायर स्क्वायर शेप में कट किया है। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर देते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्याज लिया है यहाँ पे। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है, ज़्यादा नहीं फ्राई होना है वैसे। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं।
उसके साथ साथ हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने यहाँ पे दो छोटे हरी मिर्च और दो छोटे टमाटर लिए हैं। अब इसमें हम नमक भी डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें सोया सॉस डाल देते हैं। इसमें हमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालनी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें टोमेटो केचप भी डाल देते हैं। टोमेटो केचप भी 2 टेबलस्पून ही चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें फ्राई की हुई सोया चिल्ली भी डाल देते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें 1 पिंच चीनी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सोया चिल्ली यहाँ पर रेडी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारी सोया चिल्ली यहाँ पर रेडी है। देखने के लिए तो बहुत टेस्टी लग रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। बाय बाय।